नमस्कार, दादरानगर हवेली अने दमण दीव प्रदेशना राष्ट्रीय पोषण मिशनना प्रभारी श्रीमती संध्या रायजीए गतरोज दमण अने दादरानगर हवेलीनी मुलाकात लीधी हती, ज्यां तेमणे भाजपा कार्यालय पर पण मुलाकात लीधी हती। आजे तेमना नेतृत्वमां प्रदेश प्रभारी श्रीमती विजया राहटकरजीनी उपस्थितिमां दमण सोमनाथ खाते आवेला डीआईए होल पर कुपोषण उपर एक कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। मिशनना प्रभारी श्रीमती संध्या रायजीए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदीना नेतृत्वमां राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत मंडल अने बूथ स्तर तैयारी करी जन्मथी लईने 1000 दिवस सुधी बाळकोनो पोषणयुक्त आहार मळी रहे अने जेनाथी बाळक स्वस्थ थाय ते माटे सशक्त भारतनी वातो करी हती। प्रदेश प्रभारी श्रीमती विजया राहटकरजीए कार्यकर्ताओने विश्वास अपावता कह्युं हतुं के तेओ प्रधानमंत्रीजीना सपनाने बूथ लेवल सुधी पहोंचाडवानुं अने जनप्रतिनिधिओ साथे मळी आ मिशनने सफळ बनावे। प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेले पण मिशनने सफळ बनाववा माटे कार्यकर्ताओने जरूरी सूचना अने मार्गदर्शन आप्युं हतुं अने कुपोषणमांथी बहार निकळेला बाळको अने तेमना माता-पिताओने सन्मानित कर्या हता। आ कार्यक्रम दरमियान दमण दीवना सांसद लालूभाई पटेल, कार्यक्रम संयोजक जिला अध्यक्ष बाबूभाई पटेल, सोमनाथ सरपंच श्रीमती चेताली बेन कामली, डीएमसी अध्यक्ष श्रीमती सोनलबेन पटेल, जिला पंचायत सदस्य रीनाबेन पटेल, वर्षिका पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष नवीनभाई पटेल, जिला अध्यक्ष अस्पीभाई दमणिया, प्रदेश उपाध्यक्ष महेशभाई अगरिया, आशीषभाई पटेल, जिला उपाध्यक्ष जयेश पटेल, प्रदेशना बालूभाई पटेल, भाजपा नेता महेन्द्र भाई कामली, राजेश पटेल, हरेश भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, धर्मेश पटेल, विक्रम हळपति तथा मोटी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति जोवा मळी हती। आ कार्यक्रम ने दमण सोमनाथ खाते सफल बनावा माटे सोमनाथ ना सरपंच श्रीमती चेताली कामली, उपसरपंच राजेश भाई तथा राजनेता महेन्द्र भाई कामलीए विशेष योगदान आप्यो हतो। प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल द्वारा तेमनो आभार व्यक्त करायो हतो। समय में थे किया था और बहुत ही सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए मैं इस पंचायत के डिप्टी संपादक राजेश भाई और महेंद्र भाई दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 2022 के अंतर्गत आज जो आपने दमन का दौरा किया है उसके पीछे का क्या मकसद है? बताना चाहूंगी राष्ट्रीय पोषण पोषण अभियान चलना शुभारम्भ हुआ है। लगातार ये मिशन पहले से ही चल रहा है, लेकिन जिस तरह आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे पूरे देश में 14 करोड़ के लगभग बच्चे हैं जो कि 0 से 6 वर्ष के हैं, और पिछले WHO के माध्यम से जो रिपोर्ट आई थी उसमें जैसे कहीं हमारा 32% कुपोषण बच्चे को पाया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश में यह मिशन चालू किया है, जिसके तहत मैं आज दमण दीव में हमारी जो बैठक की इसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक मतदान केंद्र तक हमारे जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका परीक्षण हो जाए, उनकी जांच हो जाए कि प्रत्येक बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, अगर वो कहीं अस्वस्थ है, उसकी लंबाई या वेट में कोई कमी है, तो उस दिशा में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उस मिशन में लगेंगे, जिससे कि आने वाला भविष्य हमारा कुपोषित न हो और बिल्कुल स्वस्थ हो, और स्वस्थ हमारे भारत का जो स्वस्थ मिशन अभियान चल रहा है, स्वस्थ बालक बालिक स्पर्धा का जो आयोजन है उसका मिशन यही है कि हम अगर प्रत्येक बूथ पर हमारा जो आने वाला जो मिशन था 8 तारीख से लगातार पखवाड़ा एक चलने वाला था, वो कोविड के कारण वो थोड़ा स्थगित हुआ है, लेकिन आगे चलकर ये मिशन शुभारम्भ होगा, जिसके तहत हमारे प्रत्येक बूथ पर हमारे पार्टी के एरिया के कार्यकर्ता, हमारे IT के कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवी संगठन हमारे इस कार्यक्रम को जन भागीदारी के रूप में आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे करेंगे, और मिशन हमारा भले ही कार्यक्रम फिर भी सुचारू रूप से हमारा चल रहा है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर तक
जो भी बच्चे हैं हमारे छोटे, उनको लगातार केंद्र की सरकार के माध्यम से उनको जो पोषण अभियान चल रहा है उसके तहत उनको स्वस्थ के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत ये कार्यक्रम था जिससे कि आने वाला हमारा देश का भविष्य, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो स्वस्थ हैं। त्યારબાદ અન્ય કાર્યક્રમ હોટેલ સાગર પ્રેસિડેન્ટસી માંગ રાખવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં આગળ પ્રદેશ અધ્યક્ષ દીપેશ ટંડેલ દ્વારા પ્રદેશની કમિટીની વિધિવત ઘોષણા કરવામાં આવી હતી અને ચૂંટાયેલા નવા સભ્યોને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા। जब बच्चे के लिए बना तो उसके ये वैसा पूरा नहीं दे देता संजय, तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँ कि आपने आगे वर्क करना चाहिए।